आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरी कला में स्कूल की न्यू बिल्डिंग 1,75,00,000 की लागत से बनी, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब राज्यवर्धन सिंह के करकमलों के द्वारा हुआ। इस अवसर पर मंडल महामंत्री श्री मनफूल सिंह बना, लक्ष्मण सिंह जी राणा साहब, विधायक प्रतिनिधि जनपद सदस्य विनोद जी मारण, रामनाथ सिंह जी राणा मंडल बोड़ा से, किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष अमृतलाल जी राजपूत, पूर्व सरपंच श्री मान सिंह जी मीणा, वर्तमान सरपंच नाथूलाल जी मालवी, पूर्व सरपंच अमीरुल्ला जी, अर्जुन सिंह परमार, जितेंद्र सिंह जी बना, माखन सिंह जी राठौड़, शिवप्रसाद जी चंदेल शर्मा, लीना शर्मा मैम, तनुजा मैम सहित विद्यालय परिवार से समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। विकास के कार्य हैं, निजी कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, उसको हम समय पे तत्काल पूर्ण करते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, तत्काल उसके समस्या का निराकरण हम करते हैं। और साथ ही साथ अब तो मोबाइल और आपके व्हाट्सएप और एक और क्या है वो दिखता है जो यूट्यूब के लिए अपन देख तो लेते हैं बटन दबा के। चलिए कोई बात नहीं, फोटो दिख जाती है उसमें तो लोग वीडियो कॉलिंग आजकल तो क्या क्या आ गया है, तो वीडियो कॉलिंग पे कई लोग मुझे फोन करते हैं, छात्र लोग मुझसे वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। कई जगह तो छात्र बोलते हैं कि विधायक जी हमें कंप्यूटर दे दो। अब मैंने कहा भैया मेरा फंड आएगा तो मैं दे दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं, मुझे देने में आपत्ति नहीं है, पर फंड आता है तो हम जो हमारे जरूरतमंद जो हमारे छात्र ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर की आवश्यकता है वो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, मगर आप अगर 100 छात्र खड़ा हो जाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर जिनको जरूरत है उनको हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार सारे समस्याओं के लिए दिन रात एक किए हुए है। हमारे अधिकारी, हमारे शिक्षा के अधिकारी, हमारे जिले के अधिकारी रात दिन लगे हुए हैं। घर घर स्वच्छ जल की सरकार की योजना है, वह अब तक पहुंच रही है और अब तो देश का आने वाला भविष्य हमारे सामने बैठा हुआ है। अब आप में से ही सांसद बनेंगे, आप में से ही विधायक बनेंगे, सरपंच बनेंगे, अब तो नई नई लड़कियां बच्चियां सरपंच बन रही हैं। अखबारों में देखा हमने नौजवान सरपंच बन रहे हैं, क्योंकि उनको एक इच्छा है कि हम अपने गांव का विकास करें, गांव को स्वच्छ रखें, गांव को हरा भरा करें। और यदि हम ईमानदारी से राजनीति में काम करेंगे तो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी गली सब चमक हो जाएगी, सब चमन हो जाएगी। और मैंने एक सबसे बड़ा काम ये किया है कि हमने दलालों को साफ कर दिया है। दलाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, दलाल कहीं भी किसी भी जगह आपको नहीं मिलेंगे। दलाली करते हुए कहीं मिले तो मुझे तत्काल फोन करिए, उसके फोटो भेजिए, हम उसको बंद करवा देंगे, टीआई से हमें खड़े हुए हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं। आज हमें कोरावर भी जाना है, आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, सत्कार किया, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, इसमें अच्छी शिक्षा पाइए, अच्छी पढ़ाई करिए, आने वाले समय में बाउंड्री। प्रमोद सिंह उमट की यह खास रिपोर्ट।